केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने हमीरपुर जिला के प्रवास के अंतिम दिन रविवार को ग्राम पंचायत पंजोत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पंजोत धरियाड़ सड़क पर लगभग 2,30,00,000 रुपए और डूंगी कंजियान सड़क पर 3,18,00,000 की लागत से अपग्रेड की गई सड़कों का लोकार्पण किया। इसके उपरांत टौणीदेवी में आयोजित सुजानपुर भाजयुमो युवा सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर भाजयुमो ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को पटका, टोपी व तलवार भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, विधानसभा उप सचेतक व विधायक कमलेश कुमारी, जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री बतौर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे कर रहे हैं, इसलिए हमीरपुर जिला से पोस्टकार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री को बधाई व अपने मन की बात भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के लाखों युवा अपने शुभ संदेश प्रधानमंत्री को भेजना चाहते हैं। देश के युवा जहां एक और अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी को पोस्टकार्ड के माध्यम से भी लिख सकते हैं, वहीं पर उनके जो 20 वर्ष का उपलब्धियों भरा कार्यकाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में रहा है उसको लेकर भी उनको शुभ संदेश दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं। और साथ ही साथ मोदी जी का अभी हाल ही में जन्मदिन भी हुआ, तो बहुत सारे लोग अपने मन की बात उनसे करना चाहते, तो पोस्ट कार्ड एक ऐसा माध्यम है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी 50 पैसे खर्च करके प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचा सकता है। मुझे लगता है ऐसे लाखों लोग देश भर में होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी को पोस्टकार्ड के माध्यम से शुभकामनाएं और बधाई भी देना चाहेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को निखारने व आगे लाने के लिए भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ की सफलता को देखते हुए अब संसदीय क्षेत्र में लोक संगीत व गीत संगीत को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही योजना बनाई जा रही है ताकि युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल सके। बहुत सारी प्रतिभाएं गाँव में छिपी हुई है। कोविड से पहले हमारी एक योजना थी कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में जो हमारा फोकलोर है, जो हमारा गीत संगीत ऐसे जिससे हिमाचल की पहचान देश और दुनिया में है, हम उसको और बल कैसे दे पाएं। युवा प्रतिभाशाली लोगों को जो म्यूजिशियन बन सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट पर काम कर सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ने का अवसर मिले, मैं चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में वो हो और उसकी एक रूपरेखा लेकर मैं जल्द आप सबके बीच में आऊँगा और प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का ट्रेनिंग देने का काम भी हम करेंगे। जिस तरह से हमने ब्यूटिशियन का कोर्स हो, चाहे साथ में सिक्योरिटी की ट्रेनिंग की बात हो, फौज में भर्ती में होने के लिए ट्रेनिंग की बात हो, या फिर कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट की ट्रेनिंग देने की काम किया हो, उसी तरह से हम संगीत की दिशा में भी और खेलों की दिशा में भी काम करेंगे ताकि हिमाचल के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फैसले पर प्रकाशित पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजेंद्र तवक की पुस्तिका ऐतिहासिक पन्नों पर प्रकाश डालती है जिसमें शायद आज तक जनता नहीं जानती थी। उन्होंने कहा कि लोग तथ्यों के साथ सही साहित्य पढ़ना चाहते हैं और तंवर की पुस्तक इस ओर एक कदम है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का पुस्तक प्रकाशन करने पर वे आभार व्यक्त करते हैं। लगता है राघवेंद्र तंवर जी की जो पुस्तक सामने आई है वो इतिहास के ऐसे पन्नों पर प्रकाश डालती है जो शायद आज तक देश की जनता से दूर रखा गया और कहीं ना कहीं वो एक नई चर्चा देश भर में शुरू कर सकता है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं और सही साहित्य पढ़ना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम उन्होंने देश के प्रति किया है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर। और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट अगर इसको लेकर आए हैं तो मैं तो उनका भी आभार प्रकट करता हूं और मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें और सही इतिहास की जानकारियां भी प्राप्त करें। वहीं विपक्ष द्वारा पेट्रोल व डीजल को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहते हैं लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए बयान देते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों के राज्यों के मुख्यमंत्री से सवाल किया कि वे बताएं उन्होंने जीएसटी के मुद्दे पर वे कुछ क्यों नहीं बोलते हैं।
देखिए, जितने भी विपक्ष के राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, वो आगे आकर क्यों नहीं कहते कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए? क्यों नहीं कहते? कौन रोकता है? अभी जीएसटी की मीटिंग जब लखनऊ में भी हुई तो क्या कांग्रेस शासित राज्यों ने उस पर हामी भरी? क्या विपक्ष के राज्यों ने उसके लिए हाँ कही? क्योंकि समाज को भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, जो खुद एक ऐसी राह पर चली है जिनके पास अपना अध्यक्ष ही नहीं है, वो अपना अध्यक्ष भी चुनने में असमर्थ हैं, वो बाकी क्या करेंगे? उनके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर हर राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे इतनी लड़ाई है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसका अपना घर ही ठीक ना हो वो दूसरों पर ठीकरा फोड़ना बंद करे।